आरएफसी के जड़ को देखो, फिर नहीं कहोगे कि इसका प्राइस बढ़ता क्यों नहीं है। आज हम बात करेंगे आईआरएफसी की जड़ की। एक बात बताओ, ये आप सभी जानते हैं कि ये एनबीएफसी का सेक्टर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटिव सेक्टर का, और कोई भी लोन कर्ज देता है तो एक दो दिन के लिए, एक दो महीने के लिए नहीं देता है, कम से कम सोचता है अगर लोन लेने भी जाओगे तो कोई भी बैंक जो है, कोई भी फाइनेंस कंपनी जो है, वो यही कोशिश करती है कि कम से कम 4 साल के लिए ले ताकि उसका बेनिफिट मिले। तो हमने इसमें इन्वेस्ट किया है, आपने भी किया है, पूरे इंडिया के जितने भी शेयर से रिलेटिव लोग हैं, शेयर मार्केट में जुड़े हैं, वो आईआरएफसी में जो किए हैं वो आज जड़ समझ लीजिए। ये आईआरएफसी जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देखना है कि ये किसको लोन देता है, ये किसको फाइनेंस करता है। भारत की सबसे बड़ी व्यवस्था रेलवे, जो आज तक रिकॉर्ड है कि कभी भी ये नुकसान में, लॉस में नहीं गया, उस सेक्टर को, ये रेलवे ग्रुप को फाइनेंस करती है। और ये रेलवे ग्रुप को फाइनेंस करने के बाद इस पे किसी तरह का आईआरएफसी जो कंपनी है, किसी तरह का कोई भी बकाया आज के डेट में नहीं है। और आने वाला जो समय है वो समझ लीजिए कि ये जड़ बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होने वाला है, जो कभी भी ना उखड़ेगा और ना ही ये गिरने वाला है, और जुगो जुगो तक ये छाया बनकर आपकी पोर्टफोलियो को रखता रहेगा, आपके सपनों को जरूर पूरा करेगा। इंटरनेटेक मुंबई पे आईआरएफसी का सबसे बड़ा अपडेट और सबसे बड़ी जानकारी आपको अगर मिलती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और पहली बार आए हैं तो भी कीजिए और की करिए हैं। अगर आप आईआरएफसी से रिलेटिव कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारा 8 महीना का पिछला का वीडियो देख लीजिए, हर सेक्टर के, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें लोगों को कम से कम 1000% का प्रॉफिट हुआ है, और 2 लोग करोड़पति भी 8 महीने में बना इंटरडेटेक मुंबई MBA बीकेसिंग को फॉलो करने के लिए। तो आईआरएफसी जितना नीचे जाता है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको उतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है इसमें। आप जितना आपको डाउन जाता है प्राइस, आप बाई कीजिए, ये हमारा एडवाइस है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।